हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज टी एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन मनी एज यूजुअल। तो दोस्तों, मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, जिस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप इंस्टाग्राम से कैसी इजी, बहुत ही इजी $300 अर्निंग कर सकते हैं। और उसमें मैंने कहा था कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हैं। हमारी जो फैमिली है वो उतनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन जितनी भी है यूट्यूब पे बहुत ही अच्छी है। काफी लोगों ने अच्छा रिएक्शन दिया उस वीडियो पे, और मुझसे इंस्टाग्राम पे नहीं भी तो 10+ लोगों के मैसेज आए कि कैसे वो चीज को आप क्रिएट करें, कितना अट्रैक्टिव बनाएं। क्योंकि मैंने उसमें एक बात की थी कि जैसे आपको फोटो को अट्रैक्टिव बना के अपने क्लाइंट्स के सामने पेश करना है कि वो आपकी जो फोटोज हैं उसको बहुत ही जल्दी खरीद लें। यहाँ फोटोज का मतलब फोटो नहीं है, यहाँ फोटोज का मतलब अलग अलग क्रिएशन है जो मैंने इस वीडियो में बताई हुई है, जो आपके सामने दिख रहा है। मंथली $300 फ्रॉम इंस्टाग्राम गारंटी, 101 प्रूवन मेथड है ये जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर। तो ये काफी वर्किंग मेथड है और ये मैंने खुद भी किया था, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि आप लोग भी इससे करके काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो गाइस, उसी का ये पार्ट टू वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ। यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा कि आप कैसे अपना अच्छा सा जो पोस्ट है उसको तैयार कर सकते हैं। ओके, सो बिना लेट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आ चुका हूँ, जिसका नाम है canva.com। मुझे पता है 90% लोग या 95% लोग canva.com के बारे में जानते होंगे, जो ऑनलाइन में अर्निंग करते हैं। गैस, ये एक ऐसी साइट है जहाँ आप तुरंत अपना लोगो, मोनो या कुछ भी बोलो, कुछ भी पोस्टर वोस्टर जो भी चीज़ होती है वो सब आप यहाँ क्रिएट कर सकते हो, वो भी बहुत ही ईजी वे में। आपको फोटोशॉप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई पिकआर्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ काफ़ी ईजी आपको सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, और यहाँ आप ईजी इन चीजों का यूज करके कोई भी पोस्टर हो या बैनर हो या लोगो हो, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। आज मैं आपको बस बताना चाहता हूँ कि आप कैसे इजी, बस इजी, बहुत ही ज़्यादा इजी बना सकते हैं कोई भी पोस्ट, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि वो पोस्ट अच्छे से क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, अट्रैक्टिव नहीं बना पा रहे हैं। तो मैं कुछ टिप्स ही आपको दूंगा जिससे आपकी फ़ोटो काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगी। तो यहाँ आपको ऊपर कुछ चीज़ें दिख रही होंगी, जहाँ लिखा होगा लोगो, फेसबुक एड, फेसबुक पोस्ट, ठीक है, प्रेजेंटेशन, पोस्टर, फेसबुक कवर, इंस्टाग्राम फोटो, ठीक है। तो हमारा जो टारगेट है वो है इंस्टाग्राम फोटो। तो इंस्टाग्राम पे आप जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, आपको एक विंडोज खुल जाएगी जो ऐसी दिखाई देगी, जो आपको ऐसी दिखाई देगी। देखो, यहाँ सामने में दिख रहा है। तो गाइस, यहाँ आपको करना क्या है, यहाँ करना ये है मेरे दोस्तों कि यहाँ आपको सारी अलग अलग प्रैक्टिकल चीज़ें, सॉरी, अलग अलग मतलब ऑलरेडी बनी हुई लोगोस दिख रहे हैं यहाँ पर। लोगो आप बोल सकते हैं इसको, या पोस्ट ही बोलो, पोस्ट दिख रहे हैं, ठीक है। अब आपको इसमें से जो अच्छा लगे उसको आप पिक कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको इसमें से नहीं अच्छा लग रहा तो आप अपनी खुद की फोटो अपलोड कर लो। जैसे कि मैंने उसमें बताया था कि लोगों के फोटो के नीचे क्वोट लिखोगे तो ज़्यादा ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा अच्छी अर्निंग आपकी होगी, ठीक है। तो यहाँ मैं इनके ही किसी फोटो से एग्जांपल बता देता हूँ। मान लो मुझे इस लड़की का मिला है लिखने को, ठीक है, ये सारी चीज़ें को एडिट की जा सकती है, ठीक है। ये देखो, सब मैं हटा दे रहा हूँ, ये सब हट गया। समझ लो ये लड़की है जो, ये जो भी है, इसको मेरे को इसका फोटो एडिट करना है, ठीक है। तो अब ये फोटो मैं ले लूँगा और इस पर मैं अच्छे अच्छे फॉन्ट्स यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिख दो फोकस इज इम्पॉर्टेंट, ओके, इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पर आ जाओ, फोकस इज इम्पॉर्टेंट, और फिर यहाँ कोई अच्छा सा टेक्स्ट यूज करो, टेक्स्ट ले लो। ये देखो, अब यहाँ दिख नहीं रहा तो इसको वाइट कर देते हैं, वाइट हो गया, ठीक है। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट करके, ये हो गया अपना 96, ठीक है। अब ये देखो, फोकस इज इम्पॉर्टेंट, यहाँ आ गया फोकस इज इम्पॉर्टेंट। ये जो चीज़ दिख रहा है इसको माइंड मत करना, ये मेरा कुछ सॉफ्टवेयर है उस चीज़ का ये दिख रहा है। तो फोकस इज इम्पॉर्टेंट, ऐसे करके आप फोटोज बना सकते हो। देखो, अब यहाँ एक और चीज़ मैं दिखा दूँ जो आपको मैं एग्जैक्टली दिखाना चाहता था, इसको हटाते हैं, ठीक है। एक नया पेज लेते हैं, इसको आप जैसे ही क्लिक करोगे एक नया पेज आ जाएगा जो खुल रहा है आपके सामने, ओके। सो ये खुल रहा है, तो वो तो मैंने आपको बता दिया कि टेम्पलेट को आप यूज़ कर सकते हो, जो इनका ऑलरेडी बना हुआ टेम्पलेट है, ठीक है। अब यहाँ अपलोड्स पे जब आप जाओगे तो यहाँ आप अपनी फोटो अपलोड कर सकते हो। मान लो मेरी ये फोटो है, ये फोटो है, ये फोटो पे मैं क्वेट्स लिखना चाहता हूँ। तो देखो, ये फोटो मेरी सेलेक्ट है, ठीक है, सेलेक्ट है मेरी ये फोटो। अब सेलेक्ट है तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसा करके डीम कर देता हूँ, ठीक है, हल्की फुल्की दिखेगी ये फोटो, ठीक है। अब यहाँ ऐसा हो गया, इसको बड़ा कर लेते हैं ऐसा करके, नहीं तो, ठीक है, ऐसे करके बड़ा कर लेते हैं। और यहाँ अब मैं इसको थोड़ा फीका कर दिया हूँ, ठीक है, थोड़ा लाइट कर देते हैं। ये देखो, ऑल लाइट हो गया, ऑल लाइट हो गया, ऑल लाइट हो गया। तो जब ऐसे लाइट करके आप उसमें
कोई भी मीनिंगफुल क्वोट लिखते हो तो आपको काफी अच्छा लगेगा, ठीक है। फोकस आप इसको जमा के लिख लेना, मैं बस आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ आपको, ऐसे ऐसे चीजें काम करती हैं। तो यहाँ एक ऐसा करके लिख दो, ठीक है। ये देखो, ये ऐसा अच्छा लगेगा यहाँ पर। ऐसे करके आपको ये चीज का यूज करके बनाना है कि कैसे आप फोटो पीछे लगाओ, ठीक है। ये मैं फोटो लगाना आपको बता रहा हूँ, आप ऐसे फोटोज लगा सकते हो। और यहाँ आप पॉइंट्स लिख दो, इसका रंग चेंज कर दो, बैकग्राउंड पे ऐसे क्लिक करो, रंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। हर कुछ यहाँ पर आपको दिया है, बस आपको गेम खेलने आना चाहिए। यू विल सक्सेस, ओके। सो बस ऐसे ही करके आपको गेम खेलना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ये देखो, ये काफी अच्छा बैकग्राउंड हमें मिल गया है। यहाँ कुछ भी लिख दो, और अच्छा मतलब अच्छा क्वेट लिखो, एक सोच के लिखो। मैं यहाँ आपको एक बस एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये जो चीजें हैं ऐसे यूज करो, और थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, थोड़ा सा क्रिएटिविटी लाओ, और ईजी लोग आपसे बाय करना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उस वीडियो को पहले जाके देखो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक दे दो यार, एक लाइक दो, एक कमेंट दो, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।